2024 में इतने ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जो लोग की उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। और 2025 में जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम 4 जिले और शामिल करेंगे, और यहाँ पर भी हम अलग से उनके रहने के लिए टेंट बनाएंगे, जो ताकि उनको पानी की और रहने का हर तरह की सुविधा हम देंगे। यहाँ राजसमंद में खटीक समाज की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन राजसमंद जिला मुख्यालय के पास कुंवारिया में मेला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। 17 तारीख को यह पूरा यहां पर तुलसी विवाह के साथ में सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है और तीसरा यह सम्मेलन है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन के लिए लगभग 33 जोड़े अब तक बुक हो चुके हैं, 35 का लक्ष्य है, और अब आने वाले दिनों में 2-3 दिन में अगर और भी आ जाते हैं तो 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। हमारे साथ में अभी खटीक समाज के अध्यक्ष व खमनौर के प्रधान बेरूलाल जी बिरवाल हमारे साथ में हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश जी हमारे साथ में हैं, और पूरे समाज जन आज यहां पर मीडिया प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें इस पूरे सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्य योजना बताई गई। कि सबसे पहले तो अध्यक्ष हो आप बधाई की इस तरह के लगातार आपने तीसरी बार लगातार ये जो आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से समाज में जागृति आई है और ये इस बार या तीसरा सामूहिक विवाह? इस बार लोगों में इतनी जागृति आई है कि हर साल करो आप, हमने 1 साल की गैप रखी थी बीच में, अब लोग कह रहे हैं कि हर साल आप विवाह का सामूहिक विवाह करो। हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में इतने ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जो लोग की उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेवाड़ में केवल राजसमंद ही पहल करता है या और भी दूसरे हर जिले में? चित्तौड़ भी है, भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़ भी है, उदयपुर भी है, अलग अलग कर रहे हैं, पर हम 4 जिलों के साथ में लेकर कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार भी जो हुआ तो उसमें और इस बार में क्या फर्क लगा? नहीं, इस बार सारे ज़्यादा उत्सुक है, और 2025 में जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम 4 जिले और शामिल करेंगे, जिसमें राजसमंद जिला है ये, उसमें फिर उदयपुर लेंगे, चित्तौड़ लेंगे और भीलवाड़ा भी लेंगे, और सारे हमारे खटीक समाज के 4 जिलों के इकट्ठे होकर हम 2025 का सामूहिक विवाह संपन्न करेंगे। और ये तो होने ही जा रहा है, 2024 का तो संपन्न हो गई, सारे समाज हमारे खटीक समाज सारे इकट्ठे हैं और सारे मिलके काम करेंगे समाज के लिए। जैसे ही आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन रखे हैं तो इसके लिए इसी तरह प्रगति के लिए लगातार लोग जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी भी 4 जिले साथ में जुड़ने के लिए लगातार फ़ोन आ रहे हैं, और वहाँ के भी कार्यकर्ता जैसे उदयपुर के हो गए, चित्तौड़ के हो गए, भीलवाड़ा के हो गए, वो भी जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक जो सामाजिक पहल में ये बात करें, जैसे आपके खटीक समाज में ये जो सम्मेलन होगा इसमें शराब वगैरह इसका भी कोई उपयोग वगैरह होगा? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसी विवाह का हमारा जो विन्याग बैठेगा उसके बाद में मांस मदिरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ पी के अलाउ भी नहीं है। हमने जो लगन लिखा है उन वर वधू के माता पिता को भी ये बताया गया है कि कोई किसी भी प्रकार का नशा करके नहीं आएंगे और यहाँ अलाउ नहीं है। 2025 में कुरज में हमारे संयोजक बेरूलाल जी टेपन है, उनके सानिध्य में कुरज में किया जाएगा। बाकी मेला ग्राउंड के अंदर इतनी हम सुविधा देवें, चिकित्सा है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, टॉयलेट है, पानी है, हर प्रकार की सुविधा जो चाहिए वो दे रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं उसके लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी है? सारी हो चुकी है और फुल तैयारी है। और हम जो आप बोल रहे हो कि हमारी समाज मांस मदिरा सेवन करती है, वो अभी हमारी समाज सारी बिजनेसमैन बन चुकी है और दारू मदिरा या मांस सारी चीज़ों से दूर रहती है और ये कोई उपयोग में नहीं लेते अभी। बिल्कुल, तैयारियां क्या चल रही है मुख्य रूप से आप थोड़ा सा? मुख्य रूप से तैयारियां यह है, पंडाल बनना चालू हो गया, 2 दिन बाद में रसोईया भी आ जाएगा, रसोई बनने मतलब 10 तारीख बाद में सब प्रोग्राम यहाँ, और दूर से आने वाले के लिए भी तैयारी कर रखी है कि भाई यहाँ रात रह सकते हैं, सुबह 7 बजे कोई नहीं आ सका तो 16 तारीख को भी आ सकते हैं सर। अच्छा, तो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सब यहाँ रहेगी? वहाँ एक नर्सिंग द्वारा स्कूल के पास में हमने व्यवस्था कर रखी है, और यहाँ पर भी हम अलग से उनके रहने के लिए टेंट बनाएंगे, जो ताकि उनको पानी की और रहने का हर तरह की सुविधा हम देंगे यहाँ पे। ये इस बार जो मुख्य रूप से कुंवारिया में आयोजित हो रहा है तो कुंवारिया के स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? हाँ, ये कुंवारिया की है और फिर वो समाज की है, मतलब
नहीं समाज तो है ही है लेकिन फिर भी लोकल मतलब खास कुंवारिया वाले ही है। यहाँ की जैसे मुख्य रूप से व्यवस्थाएं लोकल स्तर पे तो लोकल ही कर पाएंगे। आज अध्यक्ष महोदय खमनौर के हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष वो भी केलवा के हैं, लोकल क्या सुविधाएं चाहिए वो सब कुंवारिया वाले ही मिलकर कर रहे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में यूं है कि हर व्यक्ति इसमें, चाहे युवा हो या वृद्ध जन हो, समाज का हर व्यक्ति इसमें जुड़ा है। इसमें हर कुंवारिया का हर घर से आदमी जुड़े हुए हैं। अभी तो हम सब गुजरात में, सब लगभग 90% लोग गुजरात में रहते हैं, वो कल से आने चालू हो जाएंगे। और हर घर से युवा या कुंवारे से 500 आदमी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर कुंवारे हर घर से इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपके भामाशाहों का इसमें क्या रोल है? मुख्य भामाशाह का मुख्य रोल बहुत ही शानदार रहा है। हमारे को सामने चल के बता रहे हैं भाई ये सामूहिक विवाह हो रहा है, हम ये देने के लिए तैयार है जी। और कुंवारिया वाले प्रेरित नहीं करना पड़े, आगे से आगे से फोन आ रहे हमारे पास आए, अगर किसी कारणवश हम नहीं जा सके तो हम मीडिया मार्फत ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि आप खुद अपना सामान या हथवेला के रूप में उन कन्या को दे सकते हैं आके, परंतु हमारे पास बुक करावे ताकि उन भामाशाह का सम्मान कर सके। और कुंवारिया वाले का इतना दिन रात 6 महीने से पूरा कुंवारिया खटीक समाज लगा हुआ है, और इनके अलावा भी कुंवारिया के सभी जैसे दूसरी समाज के भी हमारे को बोल रहे, हर चीज़ बोल रहे, हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। पूरी कुंवारिया वासियों का बिल्कुल समाज के अलावा भी सहयोग है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये। और वास्तव में तुलसी विवाह के साथ में खटीक समाज का ये सामूहिक विवाह सम्मेलन अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगा। निश्चित तौर पर यह खटीक समाज की जो पहल है, अन्य समाजों को भी इसी तरह सामूहिक विवाह सम्मेलन करने चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इसी तरह संबल मिलता रहे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद।